प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों आज मैं उन जवान भाई बहनों से बात करना चाहता हूं जो कि प्यार में हैं, या फिर उनका ब्रेकअप हो गया है, या फिर वो सच्चे जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं। दोस्तों मेरा एक दोस्त है और उसने अपने जीवन के बारे में मुझे बताया, और वो लड़का बहुत ही अच्छा विश्वासी है। और आज से कुछ साल पहले उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जो लड़की भी बहुत अच्छी विश्वासी थी, और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया और उन्होंने प्लान किया कि आगे चलकर हम भविष्य में शादी करेंगे। और दोनों एक दूसरे को बहुत चाहने लगे। एक दूसरे के बिना रहना उनके लिए मुश्किल था। दोनों एक दूसरे से खूब बातें करते, भविष्य की योजनाएं बनाते, मरते दम तक एक दूसरे का साथ देने का वो वादा करते, कसमें लेते, और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन लगभग 2 साल बाद किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उनके बीच में लड़ाई झगड़े होने लग गए और उनका ब्रेकअप हो गया और दोनों ने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया। वो लड़का जिससे बहुत प्यार करता था अब उससे बहुत दूर हो गया है, और वो परेशान रहने लग गया, दुखी हो गया, और उसको दिन को चैन नहीं, रातों को नींद नहीं, भूख नहीं, बस एक ही बात कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ। कई बार आत्महत्या करने के लिए सोचा, किसी भी काम में मन नहीं लगा। उस शहर को छोड़ दिया, दूसरे शहर को चला गया, परंतु फिर भी उसे शांति और चैन नहीं मिला, क्योंकि हर बार वही बात उसके दिमाग में आती कि आखिर मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, जिससे मैं प्यार करता था आखिर मैं उससे आज इतना दूर क्यों हो गया हूं, आखिर मेरे जीवन में ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने जितनी भी योजनाएं बनाई थी आज वो विफल हो गई हैं। और इस भाई का कहना है कि इसमें उस लड़की की कोई भी गलती नहीं थी। मेरे प्रिय दोस्तों, हो सकता है आज आपकी लाइफ में भी ऐसा चल रहा हो कि जिससे आप बहुत प्यार करते थे आज वो आपसे दूर हो गया हो। हो सकता है उसने आपको धोखा दिया हो, हो सकता है किसी ने आपको छोड़ दिया हो, हो सकता है आपके बीच में कुछ गलत फहमी की वजह से आप लोग एक दूसरे से दूर हो गए हो, हो सकता है किसी ने आपका मिसयूज किया हो, हो सकता है किसी ने आपसे झूठा प्यार किया हो, और आप यही सोच रहे हैं आखिर मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, मैं जिससे इतना प्यार करता था आखिर आज उसने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रिय दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा जो इस लड़के ने मुझे बताया कि जो कोई मसीह से प्रेम रखता है उसके जीवन में हर एक बात से भलाई उत्पन्न होती है। उस लड़के ने इन सब बातों के बाद भी मसीह से प्रेम करना नहीं छोड़ा। उसने इस बात को प्रभु की इच्छा जान करके ये निर्णय लिया कि मैं रुका नहीं रहूंगा, मैं आगे ही बढ़ता चला जाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। और वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता चला गया और वो अपने काम में मन लगाने लग गया और वो प्रार्थना करने लग गया, वचन पढ़ने लग गया, वो चर्च जाने लग गया, संगति में रहा और वो पुरानी बातों को भूल करके आगे बढ़ने लगा। और ऐसा हुआ कि कुछ समय बाद उसकी मुलाकात एक और लड़की से होती है और वो लड़की उससे कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे बताया है कि ये लड़का तेरा पति होगा। और वो ये बात सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और दोनों ने एक दूसरे से बातचीत किया और दोनों ने प्रार्थना करके प्रभु की इच्छा को जान करके शादी का निर्णय लिया और दोनों ने अपने अपने घर में शादी की बातचीत की और कुछ समय बाद दोनों की शादी हो गई। और उस भाई का कहना है कि आज की डेट में वो दोनों बहुत अच्छा और खुशी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसने कहा कि यीशु मसीह ने उसे बेस्ट लाइफ पार्टनर दिया है, सबसे अच्छा जीवन साथी दिया है। उसने कहा कि जो कुछ हमारे जीवन में होता है वो हमारी भलाई के लिए होता है। मेरे दोस्तों, उसने उस घटना को अपनी भलाई के लिए समझ लिया था। उसने ये समझा कि यही प्रभु की इच्छा थी, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, पुरानी बातों को भूल करके मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाऊंगा।
और सही समय पर प्रभु ने उसे एक अच्छा जीवन साथी दिया। यदि आपके जीवन में इसी प्रकार से कुछ चल रहा है, जब आप डिप्रेशन में हैं, जब आप उदास हैं, जब आप निराश हैं, जब आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, जब आप प्यार में हार चुके हैं, जब आप हिम्मत हार चुके हैं, जब किसी ने आपको धोखा दे दिया है, किसी ने आपको छोड़ दिया है, किसी ने आपका गलत इस्तेमाल किया है, या फिर किसी ने आपसे झूठा प्यार किया है, और आप डिप्रेशन में हैं, आप उदासी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप मानो कहीं पर रुक से गए हैं, आपका जीवन जैसे निराशाओं में चला गया है, मेरे प्रिय दोस्तों, आप हिम्मत ना हारें, आप निराश ना होएं, आप उदास ना होएं, प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु पर भरोसा रखें, वो हर एक बात में आपके लिए भलाई उत्पन्न करेंगे, वो आपको एक अच्छा जीवन साथी देंगे, आप उन पर भरोसा रखें। और मेरे प्रिय दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर देंगे, तो आपका पूरा जीवन खुशियों से भरा रहेगा। हो सकता है हमारा चुनाव गलत हो सकता है, लेकिन प्रभु का चुनाव हमारे लिए कभी भी गलत नहीं होता है। हमारे लिए बेस्ट सोचते हैं, हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, और वो हमें अच्छा देना जानते हैं। इसलिए प्रभु पर भरोसा रखें, वो आपको अच्छा जीवन साथी देंगे। यानी कि जो मसीह से प्रेम रखते हैं, उनके लिए हर एक बात में भलाई उत्पन्न होती है। मेरे दोस्तों, आप रुके नहीं, जो कुछ आपके जीवन में हुआ है, उससे प्रभु आपके जीवन में भलाई उत्पन्न करेंगे, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।